फत्ताह मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक ये नाम लिखा, इसका मतलब है खैर के दरवाजे खोलने वाला। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह। हद हिसाब नहीं है, वो जितना बड़ा है ना, जिसके लिए जितना भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, ठीक, उसके तमाम नाम और सिफाती जो हैं वो सारी सिफतें उतनी बड़ी हैं। तो ये मैंने ख़त दीवानी में थोड़ा सा एक अपना जो इम्प्रोवाइज किया है, इम्प्रोवाइज वो ठीक करके है। वो लिखा है। और फिर हर तरफ ये दरमियान में ये आर्चें बनाई हैं कि कोई दरवाजे का एक कॉन्सेप्ट निकलता क्या है, तो बात, ये है दरवाजे खोलने वाला। क्या मेरा बात, मालिक, जहां मैं अंधा हो जाता हूं, जहां मैं बहरा हो जाता हूं, वहां मेरा मालिक मेरे लिए दरवाजे सुभान खोल यानी देता वो है, आपके लिए बेनियाज खोल है, देता है। तो वो कहीं से भी बेनियाज, कहीं से भी कोई असबाब पैदा हो सकते अफ़ेस हैं। बाबा, बिल्कुल ठीक सर, अल-फताह का वजीफा बताते हुए। अल-फताह का एक वजीफा तो ये है कि जब आपके प्यारे आपसे रुखसत होने लगे तो उनको दुआ देते हुए 3 मरतबा कहते हैं कि या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता, इस नियत के साथ कि ये जो मेरा दोस्त बिछड़ रहा है, इसके लिए अब ओपनिंग्स के दरवाजे जो हैं वो सुभान खुलें। और वैसे इसका वजीफ़ा ये है कि 7 दिन अगर 70 मरतबा अपने दिल पर हाथ रखकर फजर के वक्त अल-फत्ताह पढ़ें, तो आपको जो भी मुहिम दरपेश है उसमें अल्लाह करीम आपके लिए असबाब की फरहमी करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।